असलकम स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने सोशल एंटरप्रेन्योर्स की टाइपोलॉजी के बारे में बात की और एक टाइप हीरो जो सोशल एंटरप्रेन्योर है उसके बारे में बात की आज के इस सेशन में हम सोशल एंटरप्रेन्योर एज मैनेजर एक टाइपोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे सोशल एंटरप्रेन्योर एज मैनेजर सम क्रिस्मैटिक पर्सनालिटी से आप एक ऑपोजिट पर्सनालिटी जो है उसको तस्वर कर सकते हैं एक स्टेबल बिजनेस लाइक काम से काम रखने वाला शख्स आपके जहन में आता है और ऐसी ही उसकी जो करेक्ट्रिस्टिक्स और क्वालिटीज़ हैं वो मैनेजेरियल सोशल एंटरप्रेन्योर में होती हैं ज़रूरी नहीं है उसके लॉफ्टी ड्रीम्स हों वो बहुत एम्बिशियस हो वो बड़ा इनोवेटिव हो उसकी जो की सक्सेस है वो उसकी मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में होती है मैनेजेरियल सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो हमें तीन सेटिंग्स में मिलते हैं या तीन तरह के काम करते हुए नज़र आते हैं मैनेजरियल सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो लार्ज स्केल कम्युनिटी रीजनरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर हैं मैनेजेरियल सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो सोशल एंटरप्राइजेस के मैनेजर्स हैं और मैनेजेरियल सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो कि वॉल्ट्री सेक्टर की वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस में एज मैनेजर काम कर रहे हैं अगर हम पहली किस्म जो मैनेजरियल सोशल इंटरप्रन्योर्स कम्युनिटी री जनरेशन के मैनेजर हैं उनके बारे में बात करें तो ये कॉन्सेप्ट दुनिया में काफ़ी आम है पाकिस्तान में भी इसकी मिसालें मिलती हैं अगर आप पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम या किसी भी और प्रोविंशियल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से वाकिफ़ हों तो आप कम्युनिटी री ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ होंगे कम्युनिटी री ऑर्गेनाइजेशंस अमूमन गवर्नमेंट फंडेड होती हैं गवर्नमेंट की ग्रांट से चलती हैं कम्युनिटीज़ जो किसी वजह से स्ट्रगल कर रही हों बैकवर्ड रह गई हों जैसे पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के केस में फार्मर्स हैं जो के छोटे फार्मर स्पेशली जो कि फाइनेसिस की कमी की वजह से अपनी मैक्सिमम आउटपुट नहीं हासिल कर सकते रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स उनको माइक्रो फाइनेंस और टेक्निकल हेल्प के जरिए से उनकी डेवलपमेंट का काम करते हैं यहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योर एज मैनेजर्स काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के फंड्स को मैनेज करते हैं लेकिन साथ साथ वो जो सोशल पर्पस है के फार्मर्स को ग़ुरबत में जाने से बचाना और उनकी जितनी भी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं उनके में से मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हासिल करना वो उनका एक सोशल कॉज है जिसको वो साथ लेकर चलते हैं मैंने जैसे कहा कि पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम सरहद रूरल सपोर्ट प्रोग्राम या सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो हैं इसकी एग्जांपल्स हैं आप इनको वेब से ढूंढकर पढ़ सकते हैं सोशल इनके जो सी हैं वो मैनेजेरियल सोशल एंटरप्रेन्योर की एग्जाम्पल हैं दूसरे मैनेजरियल सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आपको वॉलट्री सेक्टर में मिलते हैं वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या एन जो सेल्फ हेल्प के तहत काम करती हैं ग्रांट से या डोनेशन से काम करती हैं और उनका मकसद लोगों की फलाह होता है ज़रूरी नहीं है डेवलपमेंट हो बाजुकात वो लोगों की डे टू डे नीड्स पूरा करने के लिए होती हैं लेकिन जब मैनेजेरियल सोशल एंटरप्रेन्योर्स वॉलन्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि लोगों को सेल्फ हेल्प और सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जा सकें और वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस को एंटरप्रेनशिप के तौर पे चला सकें पाकिस्तान में मैनेजेरियल सोशल एंटरप्रेन्योर जो कि वॉलन्ट्री सेक्टर में हों उसकी मिसाल अखुवत से दी जा सकती है अखुवत एक वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को माइक्रो फाइनेंस बल्कि कर्ज हसना की सहूलत फ्राहम करती है ताकि बेहद गरीब लोग जो बैंक से या सूद पर कर्ज़ा नहीं ले सकते वो अखुवत से कर्ज हसना लेकर अपनी ज़रूरियात को ना सिर्फ पूरा कर सकें बल्कि अपने पैरों पर खड़ा हो सकें तो अखुवत अपने फ़ायदे के लिए अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए ही काम करती है वॉल्ट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जब अकूव को एक मैनेजर एक एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी के तौर पर रन करते हैं तो हम उसको मैनेजरियल सोशल एंटरप्रेन्योर इन वॉलंट्री सेक्टर की एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर सकते हैं तीसरे मैनेजरियल सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आपको सोशल एंटरप्राइजेस में लीडर्स के तौर पर मिलते हैं ये वो लोग हैं जो बिज़नेस और सोशल काजेज़ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सोशल एंटरप्राइजेस जो हैं वो फार प्रॉफिट भी होती हैं साथ साथ वो लोगों के मसाइल के हल या उनकी ज़रूरियात पूरी करने की भी कोशिश करती हैं तो मैनेजेरियल सोशल एंटरप्रेन्योर जो है उसके लिए दोनों को बैलेंस करना जो है वो स्किल उसकी उसमें काम आती है इन शॉर्ट मैनेजेरियल सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो वो लोग हैं जो एक बाकायदा ट्रेनिंग एक ख़ास सेट ऑफ स्किल्स के साथ एक प्रोफेशनल के तौर पर काम करते हैं और इनफेक्ट गवर्नमेंट्स और पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इन लोगों के साथ काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्रिस्मेटिक हीरो के या किसी पैशनेट लीडर के या किसी बहुत ही मोटिवेटेड गी की किस्म के सोशल एंटरप्रेन्योर की नस्बत क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस डिलेज और इस तरह की चीज़ों को समझते हैं इन शॉर्ट मैनेजेरियल सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बाकायदा प्रोफेशनल्स हैं ख़ास स्किल्स और एबिलिटीज़ के साथ कंपटेंसीज के साथ काम करते हैं बतौर प्रोफेशनल और इनफेक्ट गवर्नमेंट्स जो हैं पॉलिसी मेकर्स वो ऐसे लोगों के साथ काम करने में सहूलत महसूस करते हैं क्योंकि ये अपनी ट्रेनिंग की वजह से गवर्नमेंट के रूल्स रेगोलेशन रेड टेपज़म इन चीज़ों से अच्छी तरह वाकफ़ होते हैं और उनसे कैसे डील किया जा सकता है उससे आगाह होते हैं Thank you.